जीएमडी ब्रिक्स एंड पावर ट्रैक ट्रैक्टर, दिसंबर माह तक ट्रैक्टर की खरीदारी पर किसानों के लिए आकर्षक उपहार। हमारा पता है बैरिया चौक टीवी टावर के नजदीक डाल्टनगंज। मोबाइल नंबर 6206777767। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा के मद्देनजर पलामू उपायुक्त श्री शशि रंजन एवं पुलिस अधीक्षक श्री संजीव कुमार ने आज पलामू जिला मुख्यालय स्थित कोयल नदी तट के टाउन हॉल पंपुकल एवं सिंगरा स्थित अमान्य नदी छठ घाट का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान साफ सफाई, लाइटिंग व्यवस्था, पानी में बैरिकेटिंग, यातायात व्यवस्था, वाहन पार्किंग सहित छठ व्रतियों एवं श्रद्धालुओं के आवागमन आदि की सुविधाओं का जायजा लिया। उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक ने सरकार की ओर से जारी परिवर्तित गाइडलाइन के आलोक में सभी व्रतियों, पूजा समितियों एवं श्रद्धालुओं को गाइडलाइन का अनुपालन करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने उपनगर आयुक्त को निर्देश दिया कि छठ घाट और उसके आसपास तथा व्रतियों एवं श्रद्धालुओं के आगमन वाले मार्गों में व्यापक साफ सफाई कर स्वच्छ रखें। उन्होंने साथ ही कहा कि छठ पूजा नदी, तालाब, झील, सरोवर व अन्य जलाशयों आदि सार्वजनिक स्थानों पर मनाया जा रहा है, ऐसे में कोविड-19 के मद्देनजर सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन का अनुपालन जरूर करें। कहा कि कोविड-19 से संबंधित मुख्यतः 3 सिद्धांतों का पालन करें, घर से निकलते समय मास्क जरूर धारण करें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, साथ ही हैंड सैनिटाइजर से हाथों की सफाई करते रहें या साबुन पानी से भी हाथों को धोकर स्वच्छ रखें। छठ घाटों के पानी में थूकने की मनाही है ताकि कोविड-19 के संक्रमण के खतरे से बचा जा सके। उन्होंने कहा कि छठ घाटों पर कोई भी दुकानें एवं स्टॉल नहीं लगाना है। दंडाधिकारियों एवं पुलिस जवानों की प्रतिनियुक्ति की गई है। उन्होंने उम्मीद जताया कि सभी के सहयोग से छठ पूजा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होगा। उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक ने विभिन्न छठ घाटों व निरीक्षण के दौरान शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में पर्व मनाने की अपील की। कहा कि लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा को लेकर जिला प्रशासन द्वारा सभी प्रकार की तैयारियां सुनिश्चित कराई गई है। जिन घाटों पर छठ पूजा का पर्व मनाया जा रहा है, उन सभी छठ घाटों पर व्रतियों एवं श्रद्धालुओं के आने जाने वाले मार्गों में नियमित रूप से साफ सफाई सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया, ताकि घाट तक पहुंचने एवं दंड प्रणाम देने वाले किसी भी श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कठिनाई न हो। इसके अलावा छठ घाटों पर आने वाले छठ व्रतियों एवं श्रद्धालुओं के लिए रुकने, बैठने, पेयजल, शौचालय और वाहन पार्किंग की व्यवस्था को दुरुस्त करने का निर्देश दिया। पंपुकल छठ घाट के समक्ष जाम की स्थिति को देखते हुए वाहनों की एंट्री नहीं होने देने एवं यहां के मार्ग की संकीर्णता को देखते हुए नो पार्किंग जोन घोषित करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने सिविल सर्जन को फोन कर टाउन हॉल, गिरिवरी स्कूल, बेलवाटिका के पंपुकल आदि छठ घाटों पर मेडिकल टीम की प्रतिनियुक्ति करने तथा एम्बुलेंस की व्यवस्था सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। उपायुक्त श्री शशि रंजन, पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार, उपनगर आयुक्त शैलेश कुमार सिंह, सदर अनुमंडल पदाधिकारी अजय कुमार बड़ाइक, सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के विजय शंकर, यातायात प्रभारी रुद्रानंद सरस, शहर थाना प्रभारी अरुण मेहता, सदर थाना प्रभारी राकेश रवि, वार्ड नंबर 1 के पार्षद इंद्रदेव राम सहित जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के पदाधिकारी, नगर निगम कर्मी आदि उपस्थित थे। ट्रैफिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए अलग अलग डेपुटेशन भी किया है। ट्रैफिक को लेकर के अलग से बंदोबस्ती की जा रही है, उसको लेकर के सीनियर पदाधिकारी जो है वो उसकी पार्किंग व्यवस्था और ट्रैफिक किस हिसाब से रहेगा, उस दिन हम लोगों को कहाँ कहाँ बैरिकेडिंग करना है, वो सब हम लोगों ने प्लान कर लिया है। उसी हिसाब से कल होगा ट्रैफिक व्यवस्था, चाक चौबंद व्यवस्था हम लोग करेंगे और जो सरकार के गाइडलाइंस है उसको पूरी तरह से फॉलो कराने का प्रयास करेंगे। जैसा अभी डीजी साहब ने भी आप लोगों को बताया, हम लोग उस हिसाब से अपना जगह जगह जो हमारी फोर्सेज की बंदोबस्ती है, फोर्सेज की बंदोबस्ती रहेगी और सरकार के सभी आदेशों का अनुपालन। यात्रियों में सुरक्षा के लिए क्या रहेगा? बहुत हम लोग का जो फोर्स का डेपुटेशन है वो कल शाम से लेकर के परसों सुबह तक के लिए वो प्रॉपर डेपुटेशन है। हमेशा फोर्स पदाधिकारी आपको जगह पर मिलेगा। सरकार का गाइडलाइन है, उसके अनुसार ही पूजा को करना है और इसमें मुख्यतः 3 बातों का ध्यान रखा गया। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग रखनी, मास्क का उपयोग करना और जो छठ घाट जहाँ पर रहेंगे वहाँ पर किसी भी तरह का स्टॉल या अन्य कोई भी कार्यक्रम आयोजन नहीं है, सिर्फ छठ की पूजा ही होगी। इस संबंध में सभी को पूर्व में निर्देशित किया, यहाँ के जो इतनी छठ पूजा समितियाँ उनके साथ बैठक भी की गई
जो घाट है उनकी साफ सफाई भी की गई है पंचायत नगर परिषद के द्वारा। तो और सभी घाटों पर हमारी पुलिस बल की प्रतिनिधि रहेगी, दंडाधिकारी रहेंगे, कंट्रोल रूम भी कार्य करेगा। और इसके अलावा जो आकस्मिक जो भी सुविधाएँ होती है वह प्रदत्त की जाएगी। मेरी आशा है कि छठ पूजा हुआ शांतिपूर्ण ढंग से अच्छे तरीके से संपन्न होगा। बस